बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वेलकम बैक फ्रेंड्स इन देसी हर्बल ट्यूब तो जी प्यारे दोस्तों आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको छह फलों की खासियत के बारे में बताऊंगा और उनसे एक एक इलाज के बारे में बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल देसी हर्बल ट्यूब पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही खड़े हुए बेल बेलाइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पहुंचाएं तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब जी डियर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अमरूद के बारे में तो दोस्तों अमरूद के बारे में कहा जाता है कि ये कब्ज से निजात के लिए बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसमें इसका ंगेज फायदा सामने आता है तो दोस्तों अमरूद को कब्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा जामन के लिए तो दोस्तों जामन के मैं आपको दो फायदे बताऊंगा जामन का पहला फायदा तो ये है कि अगर दिल वगैरह पर कहीं हमारे नाक के अंदर से कोई बाल गुजर जाता है तो बाल को हटाने के लिए यानी कि शरियानों पर अगर बाल वगैरह दिल पर जा जाकर जम जाता है तो बाल को हटाने के लिए जामुन खाए जाते हैं तो दोस्तों जामुन को शुगर कंट्रोल करने के लिए भी खाया जाता है तो दोस्तों तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा खजूर का फ़ायदा तो दोस्तों खजूर का फ़ायदा क्या है अल्सर के जख्म को दूर करता है खजूर खाने का भैरत अंगीज़ फ़ायदा मरदाना ताकत में इजाफा है और खजूर खाने से अल्सर के जख्म दूर हो जाते हैं तो दोस्तों चौथे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा गन्ने का रस तो दोस्तों गन्ने का रस यरकान का मरज दूर करने के लिए हैरत अंगेज़ फ़ौद साबित करता है तो दोस्तों अब मैं आपको पांचवा फ़ायदा बताऊंगा बही यानी सफ़रजल का फ़ायदा तो दोस्तों बही सफरजल दिल की बीमारियां दूर करने के लिए खाई जाती है तो दोस्तों एंड पर मैं आपको आलू बुखारे का दो फायदे बताऊंगा तो दोस्तों आलू बुखारे को हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल लाने के लिए जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो इसको नॉर्मल करने के लिए खाया जाता है और दोस्तों साथ ही साथ आलू आलूबुखारा का हैरत अंगेज़ फ़ायदा यह है कि ये हड्डियों को मजबूत करता है यानी कि हड्डियों को ताकत देता है हड्डियों को जोड़े रखता है तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो में बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया